हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए सैनिक स्कूल इम्फाल की वैकेंसी लेके आए हैं, जिसकी सीधी भर्ती रहने वाली है दोस्तों। ये बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। कल ही फॉर्म अपडेट हुआ था और आज हम आपके लिए वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लैग जरूर कीजिए, आपके लैग बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही आपकी इसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2023। इसकी कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आई दोस्तों, वार्ड बॉय, मैट्रन, नर्सिंग सिस्टर और काउंसलर के पदों पर वैकेंसी है। साथ ही आपको बता देता हूँ कि ये सभी जातियों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसका मतलब ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। योग्यता में आपकी क्या रहने वाली है, 10th पास कैंडिडेट की और साथ में स्नातक पास और डिप्लोमाधारी भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही पुरुष और महिला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। जॉब लोकेशन मणिपुर ही रहने वाला है फर्स्ट 4 साल के लिए। बाद में आपकी जॉब लोकेशन अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी चेंज की जा सकती है या स्टेट में भी भेजा जा सकता है आपको थ्रू द स्टेट। अभी चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि आप इसके लिए योग्यता क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए वार्ड बॉय के लिए 10वीं पास रहने वाले, साथ ही पीटीआई के लिए 10वीं पास, नर्सिंग सिस्टर के लिए नर्सिंग में डिप्लोमा, काउंसलर के लिए मनोविज्ञान में काउंसलिंग जरूरी मांगी गई। जो आपका एड्रेस रहने वाला है उससे पहले बता देता हूँ कि ये वैकेंसी ज़रूर देखिए, इसके लिए भी आप एलिजिबल है, ये भी ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, इसके लिए आसानी से भर सकते हैं। ये लास्ट डेट इसमें बहुत बढ़िया रखी गई है, मतलब इस महीने तक आप आसानी से भर सकते हैं फॉर्म। तो दोस्तों ऐसे ही ऑफलाइन वीडियोज़ में लाते रहता हूँ दिन भर दिन, दिन में एक वीडियो पक्का आता है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा नोटिफिकेशन, और आपके फ़ायदे के लिए ही रहती है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन वैकेंसी भी अभी आई है फ़िलहाल मदरसा बोर्ड के अंतर्गत, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं जो हमारे कैंडिडेट देख रहे हैं। आपको डाउनलोड कहाँ से फॉर्म करना मिल जाएगा वो भी बताऊँगा, आप ई मित्र पर जाके भरिए। और साथ ही आपको ये बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो बड़े लेटर में भरिए। इसके साथ ही जो आपको फॉर्म है वो आपको बड़े लेटर के साथ साथ जो डाक टिकट है वो छोटे वाले लिफाफे के अंतर्गत 2500 रुपये का लगाइए, और बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत आप जो पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ लगा देगा। अदरवाइज अगर आप डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल रहेगी ssimphal@sainiksoolsociety.in। यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बनाइए, PDF बनाने के बाद एक साथ भेजिएगा दोस्तों। और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो आपकी क्या क्या रहने वाली है वो बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में 10-12 की मार्कशीट रहने वाली है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ रहने वाली, जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि रहेगी, 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट रहेगा, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, और यदि कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो डालना है, और एक छोटा लिफाफा उसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए, आधार कार्ड की प्रतिलिपि डालनी है। साथ ही आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप लिख रहे हो वो पोस्ट लिखना है, और आगे आपकी कैटेगरी लिखना है। इसके अंतर्गत दोस्तों 500 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है उसको आप किसी भी बैंक से कटवा सकते हैं, वो कटवा के आप उसकी स्लिप इस एड्रेस के अंतर्गत यानी जो फोटो खींच के PDF के साथ शामिल करके भेजना है, वरना आपको फॉर्म नहीं लिया जाएगा। 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट ज़रूर भरिएगा। इसके साथ ही जो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज़्यादा जानकारी जो ssimphal.nic.in वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई एग्ज़ाम रहने वाला है, जी हाँ रहने वाला है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, फिजिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। जो बैंक ड्राफ्ट नंबर है कौन से कटवाना है वो देख लीजिए, अकाउंट होल्डर नाम सैनिक स्कूल इम्फाल है, अकाउंट नंबर भी नोट कीजिए, और साथ ही नेम ऑफ बैंक रखिए बैंक ऑफ इंडिया इम्फाल, IFC कोड भी इसके साथ दिया गया है, तो आप ये जरूर नोट कीजिएगा, आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करिए। इसकी जो आपकी एज की काउंटिंग है वो दोस्तों 1 सितंबर 2023 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दे दूँ जो एड्रेस क्या लिखना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल इम्फाल PO पेंगी योंग इम्फाल ईस्ट के अंतर्गत लिखना है। इसके अलावा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।